डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। जैसा कि आपने देखा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कितने बनते हैं। अब इसी तरह स्टूडेंट्स रिमेंबर कि इस पहले चैप्टर के अंदर से हमारे पास जो मोस्टली है वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन या न्यूमेरिकल जो है वो पार्ट बनाए जाते हैं पेपर के अंदर। तो अब जो है दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आता है, ये क्वेश्चन आता है कि राइट एनी टू और एनी थ्री कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। तो यूनिट्स को इंडिकेट करने की हमारे पास जो कन्वेंशन है वो क्या होती है, तो सबसे पहले देखते हैं हम तीन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है रूल वन, जब भी हम यूनिट को लिखते हैं तो उसमें हम जो है किसी भी अगर वो साइंटिस्ट जैसे फोर्स का यूनिट है फोर्स, अब फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारे पास न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। अब जब भी हम जो है यूनिट की लिखेंगे किसी भी क्वांटिटी का यूनिट जो है उसको डिस्कस करेंगे तो उसमें कभी भी हम उस जो यूनिट है उसका पूरा नेम कैपिटल वर्ड्स में नहीं लिखेंगे। जैसे जैसे न्यूटन क्या होता है न्यूटन, अब या तो देखिए इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं या हम कहेंगे कि हमारे पास है एन ई टी ओ एन, अब यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास वर्ड क्या है न्यूटन। हम कभी भी यूनिट का पूरा नेम जो है वो कैपिटल वर्ड में नहीं लिख सकते, तो उसके लिए क्या होता है ये हमारे पास सबसे पहले जी। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं रूल नंबर टू की। तो फोर्थ रूल नंबर टू ये कहता है कि जो फोर्स है इसका यूनिट अगर तो हम पूरे वर्ड पूरे नेम को लिखना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम फर्स्ट वर्ड जो है उसका उसको कैपिटल लिखेंगे और रिमेनिंग ऑल लेटर्स जो है उनको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे न्यूटन। तो इसी तरह रूल नंबर थ्री की बात करते हैं। रूल नंबर थ्री या जो हमारी थर्ड कन्वेंशन है वो क्या होती है, तो यहां पर देखें कि हम जब भी प्रीफिक्स की बात करते हैं तो प्रीफिक्स की बात करेंगे तो प्रीफिक्स हमेशा यूनिट से क्या आती है पहले। कभी भी हम ये नहीं ले सकते कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास टॉर्क है तो वह टॉर्क का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। कभी भी हम ये नहीं करेंगे कि ये हमारे पास जो इसका जो न्यूटन मीटर है इसको हम मीटर न्यूटन लिख दें, ये हमारे पास क्या है रॉन्ग मेथड। हम उसको सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे न्यूटन देन मीटर। इसी तरह सेकंड जो इसके अंदर देखें या हमारे पास कोई प्रीफिक्स आती है हम कहते हैं कि हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास किसी भी चीज की वो कितनी है 2 नैनोमीटर। अब देखें यहां पर मीटर हमारे पास क्या है लेंथ का यूनिट है और जो नैनो है, नैनो क्या होता है हमारे पास प्रीफिक्स यूज की गई है जो कि 10^-9 होती है। अब देखिए प्रीफिक्स को हम हमेशा क्या करेंगे यूनिट से पहले प्लेस करेंगे, कभी हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि मीटर नैनो, ये हमारे पास क्या है रॉन्ग मेथड। तो हम क्या कहेंगे कि 2 नैनोमीटर, प्रीफिक्स हमेशा यूनिट से पहले इंडिकेट करेंगे। अब इसी तरह रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अब रूल नंबर 4 स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि रूल नंबर 4 हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो प्रीफिक्सेस जो हैं वो किसी हमारे पास मैनिक वैल्यूज में इकट्ठी आ रही है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है वो 2 हम कहते हैं माइक्रोमीटर। अब देखिए अब यहां पर दो प्रीफिक्स हमारे पास क्या है इकट्ठी आ गए तो हम बजाय 2 प्रीफिक्स लिखने के हम यहां पर क्या करेंगे 2, ये माइक्रो क्या होता है
मल्टीप्लाई 10^-6। इसी तरह सेकंड वाली जो हमारे पास मल्टीप्लाई 10^-6 मीटर। अब देखें हम टू प्रीफिक्सेस को एक ही जगह पर कभी भी इकट्ठा नहीं ले सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों प्रीफिक्सेस को आपस में एड अप करके एक नई प्रीफिक्सेस जो बनेगी उसको लिखेंगे यहां। तो ये क्या बन गया, 2^-10^-12 मीटर। और स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि जो -12 होता है वो हमारे पास प्रीफिक्सेस नेम क्या होता है, पिकोमीटर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 पिकोमीटर। तो ये हमारे पास की क्या हो जाएगी, प्रीफिक्सेस बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहां तक ये हमारे पास दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह अब नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आया है उसके बाद करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं हमारे पास, हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट जैसा कि वर्ड से एक्सप्लेन हो रहा है कि कोई भी ऐसा डिजिट जिसकी हमारे पास कोई ना कोई क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है, अहमियत होती है, उसे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक्स जैसा कि हमारे पास डेफिनेशन लिखी होती है, देखते हैं पहले उसको। ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट डिजिट कार्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर देखा जाए, ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स जिनका हमें एग्जैक्ट पता है कि ये अगर फिगर 2 है तो उसका मतलब 2 है, सस्पिशियस वर्ड नहीं है, तो हम कहेंगे कि ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल डिजिट जो हमारे पास फर्स्ट होगा उनको मिलाकर हम कहते हैं कि कार्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो एक एग्जांपल के जरिए इसको हम जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्ड है 2.00.23। स्टूडेंट जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक जो है वैल्यू है 2.00123। हमेशा याद रखना है कि जो जीरो होते हैं हम जीरो को अगर तो हमारे पास वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में लाई कर रहे हैं, यानी जो जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके दरमियान में लाई करेंगे तो वो जीरो भी हम किस में कंसिडर करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। अब इसी तरह देखिए तो यहां पर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए, 6 हो गए। अब इसी तरह अगर हमारे पास सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसके कुछ जो है रूल्स है वही रूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमने जो है पहले 9th क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं। तो सेकंड रूल क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास वैल्यू है 0.00124 5 9, अब इस वैल्यू के अंदर अगर देखें तो जो जीरो है वो हमारे पास जो है वो वैल्यू के नॉन जीरो डिजिट्स के किस तरफ लाई कर रहे हैं, वो लेफ्ट साइड पे। अगर तो हमारे पास जो है वैल्यू के अंदर जो जीरो है वो लेफ्ट साइड पे लाई करें तो उनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कंसीडर नहीं करते। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 and 5। तो ये हमारे पास क्या है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके अंदर होंगे। अब इसी तरह रूल नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। रूल नंबर 3 हमारे पास क्या होता है, फ्रेंड्स यहां पर देखते हैं
जो थर्ड रूल होता है हमारे पास वो ये कि अगर हमारे पास वैल्यू दी गई है 2.01200, अब इसमें हमारे पास क्या है कि जो जीरो है वो क्या है वैल्यू के राइट साइड पे लाई कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जीरो ऑल द जीरो लाइज एट द राइट ऑफ द वैल्यू आर कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हम इसको इन्वॉल्व करेंगे कि कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी हमारे पास। अब इसी तरह जो रूल नंबर 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 4 पर डिस्कस करते हैं। 4 हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास जो है कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहे हैं जिसे हम साइंटिफिक फॉर्म कहते हैं, सपोज फॉर 2.123 मल्टीप्लाई 10^59 इतनी बड़ी वैल्यू है, तो इस वैल्यू के अंदर हमने क्या करना है, जब भी हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में वैल्यू आएगी तो हमने इस पावर को छोड़ के ये जो हमारे पास हिस्सा होगा ये वाला इनको जो है काउंट करके सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कंसीडर कर लेना है। तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे 1, 2, 3, 4, तो यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास चार जो बेसिक्स के रूल हैं जिनको आपने ध्यान के अंदर रखना है, और ये हमारे पास एमसीक्यूज में पूछा जाता है और 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। अब इसी तरह नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं
सारी जो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू है उसके बहुत ज्यादा करीब है। तो हम कहेंगे यहां पर हमारे पास मोर एक्यूरेसी एंड मोर प्रिसीजन मौजूद है। अब अगर तो हमारे पास वैल्यू एक ही दवा पहली ही दवा कितनी आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास वहां पर क्या मौजूद है, एक्यूरेसी मौजूद है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हम इंशाल्लाह डायमेंशंस पे बात करेंगे, और इसी तरह जो शॉर्ट क्वेश्चन है पहले चार शॉर्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर के उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को रिसीव करने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो टाइमली आपको रिसीव हो सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।